नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, बड़े टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आज मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021-22 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 2021-22 कांस्टेबल भर्ती का परिणाम 24 मार्च को आ चुका है। 6000 पदों के लिए भर्ती होनी है और अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, तो अपन शारीरिक दक्षता परीक्षा के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो भर्ती कंडक्ट करवा रहा है, उन्होंने जो सिलेबस डिक्लेयर किया है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या क्या उस सिलेबस में है और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अपन उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो शारीरिक अहर्ताएं हैं, जो शारीरिक जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो बंदा फुलफिल कर रहा है, उसी ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो अब फिजिकल टेस्ट होना है, उसमें क्या क्या होगा, अपन उसकी बिंदु के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले अपन ऑफिशियल वेबसाइट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट खोलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कहां से अपन शारीरिक दक्षता परीक्षा का, फिजिकल एग्जामिनेशन का अपन सिलेबस कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, उसके बाद में डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहां अपना टेस्ट सेलेक्ट करते हैं कि किस टेस्ट का अपने को, ये पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020, इसमें अपन ये है रिवाइज्ड रूल बुक, इस रिवाइज्ड रूल बुक को डाउनलोड करते हैं। एडवर्टीजमेंट में अगर आपको कुछ देखना है भर्ती वर्ती के बारे में, तो यहां से देख सकते हैं। रूल बुक अपन डाउनलोड करते हैं। रूल बुक जब अपन डाउनलोड करेंगे, तो ये अपने पास रूल बुक डाउनलोड हो चुकी है। तो आइए मित्रों, इसके बारे में सबसे पहले अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। डायरेक्ट अपन अपने बिंदु पे आते हैं और इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि न्यूनतम शारीरिक अहर्ताएं क्या हैं। ये जब फॉर्म फिल करता है कैंडिडेट, तो जीडी के लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए जब फॉर्म फिल करता है, तो ये शारीरिक अहर्ताएं होनी जरूरी होती हैं। तो पुरुष के लिए जीडी में 168 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ती है, सीना 81, सीना फुलाव के साथ 86, महिला 155 सेंटीमीटर, ये एलिजिबिलिटी लागू नहीं है। आरक्षित जीडी अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए 160 और महिला के लिए 155, पुरुष के लिए अनुसूचित जनजाति में 76 और फुला के 81। तो ये तो है एलिजिबिलिटी। अगर किसी बंदे में ये एलिजिबिलिटी है, तो ही वो फॉर्म अप्लाई किया था उसने, क्योंकि ये फॉर्मल एलिजिबिलिटी है। ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने पास होनी चाहिए। जो बंदा ऐसा है, वो ही फॉर्म अप्लाई करे तो ज्यादा बेटर रहता है। आइए अब अपन, तो आइए दोस्तों, ये है शारीरिक परिवर्तनता टेस्ट, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें तीन तरह की विधाएं होनी है। सबसे पहले दौड़ होनी है, उसके बाद में गोला फेंक होना है, और उसके बाद में लंबी कूद होनी है। ये तीन तरीके के टेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में होने हैं। जो भी कैंडिडेट अब पास किए गए हैं, 6000 पोस्टों के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट का ये टेस्ट होना होगा, और ये टेस्ट होने के बाद में उनकी फाइनल मेरिट निकलेगी। फाइनल मेरिट में जो भी कैंडिडेट पास होंगे, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो 800 मीटर दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद। तो दोस्तों, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो अपन सारी चीजें देखते हैं। इसके लिए जो जरूरी है, वो आरक्षक जीडी के लिए है कि 800 मीटर की दौड़ बंदे को 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। महिलाओं को यह दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। भूतपूर्व सैनिक जो हैं, उनको 3 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी, और होमगार्ड जो सैनिक है, उनको 3 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। गोला फेंक सफल करने के लिए जो है, वो 19 फीट अपने को गोला फेंकना पड़ेगा। गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम। महिलाओं को यह गोला 15 फीट फेंकना पड़ेगा, गोले का वजन 4 किलो होगा। भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट गोला फेंकना पड़ेगा, गोले का वजन सेम जो आरक्षक जीडी के हैं, उसके इक्विवेलेंट होगा। होमगार्ड सैनिकों को 17 फीट फेंकना पड़ेगा, और उसका वजन सेम उनके बराबर होगा। लंबी कूद पे अपन बात करते हैं। लंबी कूद आरक्षक जो जीडी हैं, जीडी कांस्टेबल के लिए 13 फीट, जो महिला कांस्टेबल है उनके लिए 10 फीट, और जो टक्समैन है उनके लिए 10 फीट, और जो होमगार्ड सैनिक है उनके लिए 12 फीट। ये है लंबी कूद के। तो इन तीनों को मिला के फिजिकल एग्जामिनेशन होना है। तो दोस्तों, ये है फिजिकल
जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका सिलेबस, कि इस बार जो भी अब आगे एमपी पुलिस की भर्ती होगी उनमें 50-50 का रेशियो पे भर्ती होंगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा की 50 और रिटन टेस्ट के 50, इस आधार पे भर्ती होंगी, ये ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये सब सुनने में आ रहा है।